बिहार के हाजीपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में डाका डाला और करोड़ों के जेवरात लूट लिए। लुटेरों ने नगर थाना क्षेत्र के यादव चौक सिनेमा रोड पर मौजूद सुरभि ज्वेलर्स नाम की ज्वेलरी की बड़ी दुकान को अपना निशाना बनाया। इस वारदात को रात करीब 8 बजे अंजाम दिया गया, जब दुकानदार दुकान का आधा शटर गिराकर दुकान का हिसाब कर रहे थे। शनिवार रात करीब 8 बजे स्कॉर्पियो सवार आधा दर्जन अपराधियों ने दुकान पर धावा बोला। तभी वहां स्कॉर्पियो सवार आधा दर्जन अपराधी ग्राहक के रूप में दुकान में घुसे और फिर बंदूक की नोक पर पहले तो सभी स्टाफ को बंधक बना लिया और फिर लूट का तांडव शुरू किया। गन पॉइंट पर लेकर सभी तिजोरियों को खुलवाकर सभी सोने के जेवरातों को अपने बैग में भर लिया। विरोध करने पर डकैतों ने मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी देते रहे। जब बहुत माल कमाया सारा जहर समेट के इसमें पाँच छह लोग थे। हाँ, पाँच छह लोग थे। और भैया उसके बाद जो है ना सारा मुंह बांध करके रह गया, बाकी सारा चल गया बाहर। जाके देखो, तुम जाके देखो। जब हम हल्ला करने लगे तो कहता है कि गोली मत चलाना, आवाज हो जाएगा, सारा पब्लिक आ जाएगा। उसके बाद जो है ना इतना बड़का है वो चूड़ा निकाल के लाया, उनके पेट में सटा दिया। टोटल झोला में ले गया, उसके पास ही था झोला, मेरे ही पास था जो बैग था उसमें कपड़ा में बांध करके। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी स्कॉर्पियो पर सवार होकर फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। यहाँ पर एक स्वर्ण आभूषण की दुकान पे सुरभि ज्वेलर्स, हाँ सुरभि ज्वेलर्स की दुकान पे, क्योंकि मैं डिटेल्स ले रहा हूँ, है ना, वहाँ पे जो है कि अभी कलर रंग के स्कॉर्पियो जिसमें कि छः अज्ञात अपराधकर्मी जो है अपना आए और पिस्तौल और अन्य जो है कि खतरनाक जो है कि हथियार का भय दिखाकर व्यवसायी हैं उनको बंधक बना करके लूटपाट ये है। और इसको जो है कि हम लोग इसका अनुसंधान प्रारंभ करके अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है और जल्द ही हम इसमें कितना का लूट कर रकम से बता जी कितना लूट बताया अभी हम लोग एग्जैक्ट हम लोग पता करते हैं कि कितने रकम की लूट हुई है, कितने पैसे की लूट हुई है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स ले रहे हैं। लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाशों ने एक बार फिर से हाजीपुर में पुलिस को चुनौती दी है, जिससे साफ हो रहा है कि वहां अपराधियों के अंदर कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com।